तो हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज जो है 7.1 का एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाता हूँ। ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का। तो चूंकि होता ही है भाई फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फार्मूला जो होता है ये होता है माइनस में कॉस एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के जगह पर 2x है, 2x प्लस सी हो जाएगा। एक्स के बगल में कितना है भाई, 2 है, तो 1/2 दे देंगे। ये फराक से आंसर हो जाएगा बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x। तो चूंकि होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है साइन एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो कॉस 3x का क्या हो जाएगा आपका, साइन 3x प्लस सी हो जाएगा। इसका एक्स का कोफिशियंट कितना है भाई, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 1/3। बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x दिया गया है। क्या दिया गया है, ई के पावर 2x। तो चूंकि आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्या फार्मूला होता है भाई, तो ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला का अनुसार में, तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ई के पावर 2x वन हो जाएगा। एक्स का कोफिशियंट कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, बटा में 2 दे देंगे, प्लस में सी दे देंगे। चार नंबर क्वेश्चन जो है भाई इस प्रकार है। तो चार नंबर क्वेश्चन का दिया है ax + b के होल स्क्वायर दिया हुआ dx। तो चूंकि आपको बताया गया है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का, क्या बताया गया है, x के पावर n+1 / n+1 + c बताया गया है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ax + b के पावर क्या हो जाएगा, 2 है, तो n+1 यानी 2+1 क्या हो जाएगा, 3, बट्टा में क्या हो जाएगा, 3। एक्स के बगल में कौन है भाई, एक्स का कोफिशियंट a है, तो ये हो जाएगा आपका गुना में, प्लस में सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है वो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x -4e के पावर जो है 3x दिया गया है। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस में कॉस 2x हो जाएगा, एक्स के बगल में कौन है, 2, तो 2 दे देंगे डिवाइड में, ये 4 हो जाएगा। ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स से हो जाता है, ई के पावर 3x ही हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 दे देंगे, और इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³x + 1। ये आपका निकालना है इंटीग्रेशन। तो जान रहे हैं कि e के पावर x का क्या हो जाता है, e के पावर x से हो जाएगा, तो 4 का 4 आ जाएगा, e के पावर x का 3x हो जाएगा, x के कोफिशियंट कितना है, 3 है, तो बट्टा में 3 हो जाएगा। ये 1 का ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस में सी। देखिएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाता है आपका, x + c हो जाता है। तो ये dx हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, x + c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1/(x²) दिया गया है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से पहले ये दोनों में गुना कर लेंगे, 1 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो x² / x² हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। अगला लाइन में क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x² / x² 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x² है, तो 2+1 यानी 3, नीचे भी 3, और 1 के क्या हो जाएगा, प्लस में सी। देखिए एक्स स्क्वायर से 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में इससे गुना किया तो x² / x², ये आपका बेहतरीन ढंग से ये आंसर आ जाएगा भाई। और क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ax² bx + c दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिएगा a का कोफिशियंट ये रहने जा देंगे, और x के पावर 2 है, तो 2+1 ये कितना हो जाएगा, 3, बटा में 3, bx1 हो जाएगा, तो bx1 1 के पावर x के पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर जुड़ेगा, तो बट्टा में भी 2। c कांस्टेंट है, तो c का c रहने देंगे, x हो जाएगा, प्लस में c, तो c है, तो यह c1 कर देंगे कांस्टेंट को, है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है यह दिया गया है 2x² + e⁻x दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो क्या हो जाएगा आपका, टू कॉन्स्टेंट है रहने देंगे, एक्स के पावर एन है तो एन प्लस वन यानी टू प्लस वन यानी कितना हो जाएगा थ्री बटा में हो जाएगा थ्री, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख, तो क्वेश्चन नंबर 10 देंगे कि भाई क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है। तो हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, तो टू रूट हो जाएगा वन बटे रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बटे एक्स और ये रूट से रूट कैंसिल यानी क्या हो जाएगा टू। अब देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे, पावर वन है तो पावर टू हो जाएगा बट्टा में टू, वन बटे एक्स का फॉर्मूला लॉग एक्स होता है और माइनस टू का क्या हो जाएगा टू एक्स, प्लस में आपका आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 10 था, क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है एक्स के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस में फोर है बट्टा में आपका एक्स स्क्वायर है नहीं एक्स, तो क्या करेंगे भाई एक्स एक्स क्यूब में पहले एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स बचेगा, फाइव एक्स स्क्वायर में देंगे तो फाइव हो जाएगा और चार में भागा दे देंगे एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा माइनस में टू हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आपका इंटीग्रेशन एक्स के पावर वन है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पावर टू हो जाएगा, फाइव का फाइव एक्स हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, एक्स के पावर माइनस टू है तो माइनस टू है तो एक आपका इसमें जुड़ेगा माइनस टू में ना, तो क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन का जो होता है एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस टू में जोड़ेंगे तो माइनस वन हो जाएगा और नीचे भी माइनस वन हो जाएगा तो माइनस माइनस वन हो जाएगा प्लस में सी, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, इसको नीचे कर देंगे तो एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर दिया गया है और ये पूरा पर डिवाइड है रूट एक्स से, तो क्या करेंगे रूट एक्स का मतलब ही होता है एक्स के पावर वन बाई टू, तो क्या करेंगे एक्स के पावर क्या करेंगे पहले इसमें घटेगा वन बाई टू, प्लस थ्री है एक्स के पावर ये वन है तो वन बाई टू घटेगा और ये चार है तो क्या हो जाएगा माइनस में एक बटे दो हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका करिए पहले तो इसका कैलकुलेशन करने के करिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम तीन दूनी छः यानी कि पाँच बट्टे दो हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स एक में से एक बट्टे दो घटेगा तो क्या हो जाएगा एक बट्टे दो हो जाएगा और चार हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन बाई टू ये हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन करना है भाई, तो इसमें क्या करेंगे पाँच बट्टे दो में एक जोड़ देंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा सात बट्टे दो हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा तीन नीचे भी क्या हो जाएगा सात बट्टे दो, तो सात बटे दो ऐसे लिख देंगे, ये तीन का तीन है एक्स के पावर कितना हो जाएगा एक बटे दो में दो जोड़ेंगे तो तीन बटे दो हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा तीन बटे दो तो दो में तीन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा छः हो जाएगा प्लस में, और ये एक्स के पावर कितना है वन बाई टू, एक जोड़ेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा नीचे भी क्या करेंगे तो वन बाई टू तो ये कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा। ये कोई अगर डाउट रहेगा भाई तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स करिएगा, प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिएगा, ये इक्वल टू का साइन देना ना भूलिएगा भाई थोड़ा सॉरी इसमें। खैर देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन हुआ भाई 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है वो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड एक्स माइनस वन दिया गया है, तो क्या करेंगे भाई इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन बचेगा, इसमें एक वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन बचेगा, नीचे क्या है एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन रहने देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये आपका एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा भाई और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करना ही आसान है, एक्स के पावर टू है तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा नीचे भी थ्री और वन के क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए फटाक से 1 2 3 देखिएगा भाई, अगर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट करके आप क्वेश्चन को हल करिएगा और इसके बाद में नहीं होगा प्रॉब्लम तो आप हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जा करके कॉमेंट्स कर सकते हैं भाई, आपको गाइड किया जाएगा फेसबुक से। अब ध्यान दीजिएगा भाई, तो क्या हो जाएगा आपका ये रूट का होने का मतलब है वन बाई टू, वन बाई टू को वन में गुना करेंगे तो एक एक्स के पावर वन बाई टू हो जाएगा माइनस में ये वन है तो जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा वन बाई टू तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन करूँगे तो एक्स के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, नीचे भी क्या लिख देंगे थ्री बाई टू हो जाएगा और ये माइनस में है
एक्स के पावर 3/2 है, तो 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। नीचे भी क्या लिख देंगे, तो 5/2 लिख देंगे और प्लस में सी। बेहतरीन ढंग से आपका ये आंसर हो जाएगा भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है वो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, 3x² है प्लस 2x है प्लस 3 है। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, x के पावर 1/2 है, इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1/2 में 2 जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 2×4 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। प्लस में ये 1 में जोड़ेंगे 1/2 तो 2 हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और 3 में तो आपका गुना करेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, 5/2 में 1 जोड़ देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। नीचे भी क्या कर देंगे, तो 7/2 लिख देंगे, प्लस में 2 है तो x के पावर 3/2 में 1 जोड़ देंगे तो 5/2 हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगला में है प्लस में 3 है, x के पावर 1/2 है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस में सी। अगली लाइन में भाई क्या करेंगे, तो 3 को 2 से गुना कर देंगे और ये 2 में 2 से गुना कर देंगे और ये 3 में 2 से गुना कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 16 देखते हैं भाई, 2 से गुना कर दीजिएगा चाहे 6x 7/2 हो जाएगा, 2×4 x के पावर ये हो जाएगा, 3×6 ये हो जाएगा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देख, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3cos(x) और प्लस e^x है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो 2x 1 है तो क्या हो जाएगा, 2x² / 2 हो जाएगा। 3 cos का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, तो cos(x) का इंटीग्रेशन जो होता है sin(x) हो जाता है। e^ क्या हो जाएगा, x का e^x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है x² - 3x ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है भाई, दिया गया है 2x² - 3x 3 sin(x) प्लस 5√x है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, 2x² है तो x के पावर क्या हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3। sin(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो sin(x) का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस में cos(x), तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, और 5x x के पावर ये समझिए 1/2 है, रूट है ना, तो 1/2 है तो कर देंगे 3/2 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी, यही आंसर आपका लिख सकते हैं। देखिएगा x के पावर रूट है तो इसका मतलब x के पावर 1/2 है भाई, x के पावर 1/2 है। तो अगला लाइन में ये लिख सकते हैं 2/3 x के पावर 3 प्लस 3 cos(x) प्लस में 5×10/3 x के पावर 3/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec(x) और sec(x+tan(x) दिया है, sec(x+tan(x) दिया है। बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, sec(x) में sec(x) गुना करेंगे sec²x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो sec(x)·tan(x) हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो फार्मूला ही आ गया है, लगता है sec²x का इंटीग्रेशन जो होता है tan(x) होता है, tan(x) हो जाता है, sec²tan(x) का क्या हो जाता है, तो sec(x) हो जाएगा प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है वो दिया है sec²x/ दिया है cos²x। तो ध्यान दीजिएगा sec²x को उल्टा कर देंगे तो नीचे cos²x हो जाएगा और इसका करेंगे तो sin²x हो जाएगा, है ना भाई। अब देखिएगा sin/cos का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा tan²x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan²x, और tan²x को आप लिख सकते हैं, tan²x को लिख सकते हैं आपका, देखिएगा भाई ये आपका tan²x+1 बराबर क्या होता है sec²x होता है, ये आप ट्रिगोमेट्री में फार्मूला जानते ही हैं, और आपको tan²x निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका sec²x-1 हो जाएगा। तो sec²x का क्या हो जाएगा आपका tan(x) हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस में सी। अगर कोई डाउट है भाई तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको नोट करना चाहते हैं भाई तो स्क्रीनशॉट कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 है,
ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा भाई, तो 2 cos²x है, तो क्या हो जाएगा 2 sec²x हो जाएगा, और ये आपका 3 का 3 हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा, और ये आपका कॉस का क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला सेट हो जाएगा भाई, देखिएगा 2 का 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर का, ये टेन एक्स हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, और टेन इंटू सेक का फार्मूला ही होता है आपका सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है प्लस में सी। देखिएगा भाई जिनको फार्मूला में दिक्कत हो रहा है वो पहला पार्ट्स में इंटीग्रेशन का जो क्रैश कोर्स का ये चल रहा है वो पहला पार्ट्स में हमने बता चुका है फार्मूला, तो फार्मूला एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है भाई, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है रूट एक्स 1/√x का। तो ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स कहने का मतलब है कि 1/2, और ये x के नीचे है तो माइनस में 1/2 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब करोगे भाई तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 में, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 3/2, और इसमें x के पावर 1 में देखिएगा x के पावर n है तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर जो है आप 22 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इफ़ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 3yx⁴ सच डैट f2 का मान जो है 0 है तो फाइंड एफ एक्स का मान निकालना है भाई। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो सिंस दिया गया है तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 4x³ दिया है माइनस में 3/x⁴ दिया गया है। देखिएगा ये इक्वल टू का साइन है, अगर डिफरेंशिएशन का साइन अगर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा एफ एक्स, डिफरेंशिएशन अगर इक्वल टू का RHS तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ हो जाएगा माइनस में 3/x⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे भाई तो एफ एक्स का एफ एक्स लिखा जाएगा ये 4 हो जाएगा, एक्स के पावर क्या है 3 है तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक ये 3 का 3 रह जाएगा, एक्स के पावर -4 है जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा -3 + 3, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल, यानी एक्स के पावर 4 हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 x-3 हो जाएगा प्लस सी, यानी कि क्या हो जाएगा एफ एक्स का मान जो हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा 3/x³ हो जाएगा प्लस सी। सिंस दिया गया भाई एफ टू का मान जो है 0 है तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो एफ टू बराबर क्या हो जाएगा आपका तो x² यानी कि x⁴ हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। f2 का मान क्या दिया गया है 0 तो यहाँ पर रख देंगे 0, यानी 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा भाई तो 16 हो जाएगा, और 3/8 हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। तो यानी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी बराबर तो दोनों उठा करके इधर ले आएंगे, जब ले जाएंगे एक तरफ में तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम ए 16 कितना हो जाएगा देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -+ यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 16 x 128 हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा -129/8 हो जाएगा। ये जो आपका निकाले थे भाई इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में जो है हम सी का मान रख देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर जो हो जाएगा x⁴ हो जाएगा प्लस में 1/x³ हो जाएगा, और सी का मान कितना निकाला है -129/ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे भाई, बेहतरीन ढंग से आपको यार। और अगला एक्सरसाइज में 7.2 का हम बताएंगे सॉल्यूशन, ये आज का डेट में जो 7. एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.1 का बताएं, अगली क्लास में 7.2 का बताएंगे थ्योरी और क्वेश्चन। थैंक यू भाई, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करता है भाई, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है ये तो लोकल बोर्ड है भाई।